आज मैं आपको सिखा रही हूँ दाल महारानी बनाना। देखिए, महारानी का नाम सुनते ही आपको समझ आ गई होगी कि ये एक शाही किस्म की रेसिपी है, लेकिन इसमें है तो दाल, लेकिन इसको बनाने के तरीके बड़े डिफरेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें मक्खन का इस्तेमाल हो रहा है, फ्रेश क्रीम, इसलिए इसका नाम महारानी है। चीजें आपको दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 3 किस्म की दालें और 1 बीन्स इस्तेमाल कर रही हूँ। दालों में कौन सी है? चने की दाल, जिसे आपने अच्छी तरह धोना है और खुले पानी में आप इसको सोक करने देंगे, यानी कि भिगो कर रखेंगे। और आपको चाहिए इसके लिए माश की दाल, छिलके के बगैर वाली, यानी कि इसे हम उड़ दाल भी कहते हैं। ये भी आपने धोनी है, पानी में अलग रख दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये है काले मसर, ये आपको चाहिए होंगे, धोएंगे और इसे पानी में भी आप सोक कर लेंगे। मैंने इनको तमाम को ओवरनाइट सोक किया। इसमें होता है कि आपकी कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाती है, या फिर आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। बीन्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, ये कैंड है, ये लोबिया है लाल वाला, अगर आप चाहें तो आप ये भी फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह करेंगे, पानी में भिगोएंगे और सुबह उठ करके इन तमाम चीजों को इकट्ठे मिलाकर के आप बॉईल कर लेते हैं। प्याज आपको चाहिए इसके लिए, अनियन बहुत फाइनली चॉप करेंगे। आपको मैं एक टिप बता चुकी हूँ, अगर आपसे फाइनली चॉप नहीं होता है आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। टमाटर फाइनली चॉप आपको चाहिए, यानी कि टमाटोज। यहाँ पे आप देख लें, ये डबल क्रीम है, आपको इजिली सुपर स्टोर में मिल जाती है। मेरी थोड़ी सी ठंडी हो गई थी क्योंकि फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो ये है कि ज़रा जमी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, कुकिंग के टाइम तक ये भी नरम हो जाएगी। मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बटर। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज़ आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, ऑयल का भी इस्तेमाल होगा। ये मैं आपको बताऊंगी इसका टिप क्या होता है। हरा धनिया फ्रोजन मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, आपको बता चुकी हूँ, काट कर धोकर रखती हूँ, यानी कि कोरिएंडर। फ्रेश जिंजर का इस्तेमाल है, यानी कि अदरक फाइनली चॉप किया जाएगा। हरी मिर्चें फाइनली चॉप करेंगे, ग्रीन चिलीज, यानी कि सॉल्ट, नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, होल रेड चिलीज, बटन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत लगती है इस दाल में। जीरा में इस्तेमाल कर रहे हैं सफेद वाला, इसके अंदर में यानी कि क्यूमन सीड्स, हल्दी यानी कि टर्मरिक, और रायदा यानी कि मस्टर्ड सीड्स। आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। एक्चुअली बनाने लगी हूँ प्रेशर कुकर में, उसमें ये क्या आपका कुकिंग प्रोसेस जरा जल्दी हो जाता है। वही टाइम जहाँ आपको पकाने में इसको 40 से 50 मिनट लग सकते हैं, सादी हांडी में इसमें आपको 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। चने की दाल डाल दी, पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा जो ओवरनाइट का था। उसके बाद आप बीच में डाल रहे हैं जो आपकी यहाँ पर माश की दाल है, छिलके के बगैर वाली, ये चली गई। और साथ इसमें जाएंगे जो हमारे मसर हैं। मसर देखें काफ़ी डिफरेंट इसमें आपको मिलते हैं, इसमें हल्का एक ग्रीन कलर का भी होता है, वो थोड़े से चौड़े भी होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मसला कोई नहीं है। और आपने क्या करना है, सिर्फ आप इसमें डालेंगे पानी, यहाँ पर इतना पानी डालिएगा कि आपकी जो दाल है प्रॉपरली बीच में वो बीच में बिल्कुल सोक हो जानी चाहिए, यानी कि पानी का जो है लेवल, ये देखें। मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और इस पर ढक्कन डाल करके मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। जैसे ही इसकी विसल स्टार्ट होती है मैं इसको 25 मिनट दूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अगर आप इसको सादी हांडी में बना रहे हैं, पानी आप डबल द अमाउंट का डालेंगे जितना आप देख रहे हैं, यानी कि दाल से ऊपर उसकी सतह होगी, लेकिन फिर थोड़ा और पानी डाल करके आप उसको कुक करेंगे फॉर अबाउट 40 to 45 मिनट्स, यानी कि 40-45 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे। तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। देखने के दाल हमारी गल चुकी है। मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर कुकर में जैसे ही प्रेशर बनता है सीटी चलती है, यानी कि विसल स्टार्ट हो जाता है, आप इसको 25 मिनट रखते हैं। ये देखें, मैंने 25 मिनट्स के लिए बनाया, परफेक्टली दाल गल चुकी है, इस वक्त बहुत गर्म है। ये देखें दबाने से बिल्कुल आराम से दब जाती है। ये कर लेने के बाद यहीं पर अब हम ऐड करेंगे जो हमारा लोबिया है, पानी इसका मैंने सारा डिस्कार्ड कर दिया था, यानी कि रेड किडनी बीन्स, ये देखें। ये डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको बिल्कुल आप अपने हल्के इसको रख देना है लो के ऊपर, वो इसलिए ताकि जो है लोबिया भी बीच में अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी कैंड, ये पका हुआ है। ये देखें, इससे थोड़ी इसकी सॉफ्टनेस चाहिए। साथ साथ आप क्या करेंगे, बीच में कुक करते वक्त आप हल्का सा इसको यूं दबा करके साइड पर इसको मैशअप कर लेंगे। कहीं कहीं आप देखेंगे दाल मोटी आपको नजर आएगी, कहीं पे मैशअप होगी, यही जो है इसका हमने टेक्सचर बनाना है। तो इसे कर लेते हैं और आपको तब तक दिखाते हैं कि इसका मसाला के साथ तैयार करना है, यानी कि इसका भगार। दाल को मैंने रख दिया है दूसरी साइड पर, जहाँ पर वो बिल्कुल आराम से जो है गर्म भी रहेगी और साथ में जो लोबी है वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर उसको हल्का हल्का मैश कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें हांडी में मैंने डाल दिया तेल। तेल डालने का मकसद ये होता है कि जब आपने कभी ट्राई किया कि आप स्ट्रेट अवे बटर को मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो जल जाता है और वो फिर आपकी हांडी को रंग भी बहुत बुरा सा देता है। ये एक आपको टिप दे रही हूँ कि जब भी आप बटर को मेल्ट करें थोड़ा सा बिल्कुल तेल इसमें ज़रूर डाल लें, ताकि जो है आपकी हांडी का रंग काला ना पड़े और बड़े खूबसूरत तरीके से आपका बटर मेल्ट हो जाता है। इसमें वो ऐड कर रहे हैं जो हमारी होल रेड चिलीज हैं, राई दाना यानी कि मस्टर्ड सीड्स हैं, क्यूमन सीड्स जा रहे हैं यानी कि ज़ीरा,
अब आपने यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई पर रखी हुई है और तब तक हम इसको जो भूनेंगे जब तक कि आपको जीरे की और राई दाने की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। शुरू से लेकर अभी भी हाई पर है। यहाँ पर आप देख लें कि जीरा और राई दाना जो स्प्लटर कर चुका हुआ है, यानी कि उसका फ्लेवर आ गया। बीच में इसमें ऐड करेंगे जो हमारे अनियन है, और अनियन को ऐड कर लेने के बाद आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर जो है सिर्फ इतना करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। हम इसको ब्राउन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपने ये करना है, इसको सॉफ्ट करना है, हमने कोई इसका कलर नहीं चेंज करना। उसके बाद आप इसमें ऐड करते हैं जो आपके टमाटो हैं, फाइनली चॉप कर लीजिएगा, और जा रहा है इसमें अदरक। इसमें लहसुन का कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें अदरक ही डलता है और बहुत जायका देगा इंशाल्लाह। हरी मिर्चें जा रही हैं, हल्दी यानी कि टर्मरिक, लाल मिर्चों का पाउडर दैट्स रेड चिली पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, तमाम चीज़ों को डाल करके अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे बिल्कुल यहाँ पर हल्का सा पानी, ताकि हमारे मसाले लगे ना, और सिर्फ इतना इसको पकाना है कि टमाटर गल जाए और आपका जो मसाला है वो तैयार हो जाना चाहिए। आपको मैंने काफ़ी दफ़ा सिखाया है, तो थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लें और हाई फ्लेम रख करके कुक कर। यहाँ पर देख लें मसाला बन चुका हुआ है आपका, टमाटर का पानी खुश्क हो गया ये देख लें, और जो मक्खन और तेल इसमें डाला था वो साइडों से बाहर आ रहा है। अब आप क्या करते हैं कि जो आपकी तमाम दाल है उसे आपने इसी मसाले में ट्रांसफ़र कर लेनी, तो पहले जो है दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर लें, फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट आपने इसको किस तरह हैंडल करना है। यहाँ पर मैं रख रही हूँ इसको गाढ़ा, क्योंकि मेरे घर में से गाढ़ा पसंद किया जाता है। और इसको सर्व करने के दो तरीके हैं। अगर आप खा रहे हैं इसको रोटी या गर्मा गर्म पराठों के साथ में, तो आप इसको रखते हैं थोड़ा सा इस टेक्स्चर में, यानी कि थिकनेस की तरफ रखते हैं, तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। और अगर आपने इसको चावलों के साथ खाना तो थोड़ा सा इसको आप पतला कर लेते हैं और चावलों के साथ इसको आप सर्व कर लेते हैं। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। चूल्हा मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है मीडियम पर, दाल परफेक्टली यहाँ पर तैयार है। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जो हरा धनिया है, और इसमें जाएगी जो हमारी क्रीम है, क्योंकि भूलना नहीं हमें ये दाल महारानी है। ये डाल करके इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सअप कर लेते हैं, और फिर इसको आप रखेंगे लो पर कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसको हल्का सा दम यानी कि सिमर कर लेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये रही आपकी दाल महारानी, आपने इसको कवर करके सिमर करना है कपल मिनट्स के लिए। इसे आप खाएंगे गर्मा गर्म रोटियों के साथ, पराठों के साथ, जो साफ वाइट बॉयल्ड राइस होते हैं उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे विच इज़ ऑन माई वेबसाइट cookwithfaiza.net। जरूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।